न्यू आइडियाज़ YT यूट्यूब चैनल में। आज का आज टाइम आ चुका है कि C++ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने का, लाइक अ कंस्ट्रक्टर इन C++। सो आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो सी कंस्ट्रक्टर इन C++ है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, या बहुत इम्पोर्टेंट, या यूँ कह सकते हैं कि C++ के या आपके ए लेवल के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्या होता है कंस्ट्रक्टर एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और सारा कुछ इसमें जानेंगे। ठीक है, क्या है, कैसे वर्क करता है और कैसे हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम कंस्ट्रक्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। ठीक है, ठीक, तो बेसिकली क्या है कि कंस्ट्रक्टर इन C++। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर इन C++। ठीक है, तो जानते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर एक बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके का स्पेशल मेथड है। अभी तक हमने फंक्शन पढ़ा था, जस्ट लाइक अ फंक्शन ही होने वाला है। तो देखते हैं, अ कंस्ट्रक्टर इन C++ इज अ स्पेशल मेथड। ये एक तरीके का मेथड है, या स्पेशल मेथड, वो नहीं, नॉर्मल मेथड नहीं, एक स्पेशल मेथड है। मेथड हमने बात की थी, मेथड क्या होता है कि जब किसी फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड। ठीक है, क्लास के अंदर किसी फंक्शन को डिफाइन कर देंगे तो वो मेथड बन जाता है। तो सेम एग्जैक्टली क्या है, ये भी एक तरीके का मेथड है। ठीक है, और इसको भी हम क्लास के अंदर ही डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर इन C++ इज अ स्पेशल मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि C++ में क्या था कि जब कोई मेथड हम बनाते थे, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता था, कॉल करना पड़ता था। वो अभी हम करके देखेंगे कि कॉल करना पड़ता है या नहीं। ठीक है, तो कोई मेथड अगर हम बनाते थे, उसे कॉल करना पड़ता था। बट ये कंस्ट्रक्टर क्या है कि ये एक स्पेशल मेथड है, बट इसमें एक स्पेशल क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है कि भैया इसको अगर बनाओगे तो तुम्हें कॉल नहीं करना। तो अब क्या बात हुई कि सर अगर हम बना देंगे मेथड, अगर कॉल नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो एग्जीक्यूट ये ऐसे होता है कि जब भी हम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि इस लाइन का मतलब ये। ठीक, तो अब इसको एक बार हम एक मेथड बनाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक पब्लिक नाम का मेथड बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं void, void फंक्शन या मेथड, फंक्शन हम रख देते हैं। और इसको हमने क्या लिखा, सी आउट दिस इज फंक्शन। ठीक है, एक तरीके का फंक्शन है, क्लियर है। तो हमने एक फंक्शन बनाया और इसको हम देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक void फंक्शन नाम का मेथड बनाया क्लास के अंदर, और इसको हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट जैसे बनाया, अब क्या करेंगे कि इसको हम कंपाइल करेंगे। तो ठीक है, क्लियर, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए G++ और फाइल का नाम access.cpp है, तो हम देखते हैं। ठीक है, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, और a.out नाम की हमारी फाइल हो गई, बन गई है। अब इसको रन करने के लिए हमने /a.out लिखा, तो हम क्या करेंगे, इसको रन कर पाएंगे। रन तो हो गई, बट हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिला। आउटपुट क्यों नहीं मिला कि बेसिकली आउटपुट इस वजह से नहीं मिला, हमने अपने फंक्शन को क्या किया है, अपने फंक्शन को हमने डिफाइन तो कर दिया, बट इस फंक्शन को हम कॉल नहीं कर रहे हैं। फंक्शन की एक क्वालिटी होती है, उसको अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो डजेंट मैटर, डिफाइन तो हो गया, बट अगर उसको एग्जीक्यूट कराना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए हम इससे पहले क्या लिख रहे थे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से ओबीजे डॉट डॉट ऑपरेटर की मदद से उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो डॉट ऑपरेटर की मदद से हमें उस फंक्शन को, पहले हमने ऑब्जेक्ट नेम लिखा, ऑब्जेक्ट जो क्लास का होगा, फिर डॉट, फिर फंक्शन का नेम।
जैसे हमने ये लाइन लिखी तो अब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल हो गया और रन करते हैं। तो रन किया तो देखो दिस इज माई फंक्शन। देखो फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन को कॉल करना पड़ा, फंक्शन खुद अपने आप नहीं कॉल होता है। बट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है कि ये एक इसके अंदर एक अच्छी खूबी है कि इसको हम ऑटोमेटिकली ही कॉल कर देंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही अपने आप कॉल हो जाएगा, ठीक है। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। जैसे ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये कंस्ट्रक्टर हमारा वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो अब इसका काम बेसिकली क्या होता है, इट इज यूज टू सेट इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है इसका मेन पर्पस, क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू या वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, तो अब इसको क्रिएट करने के लिए, ये क्रिएट कैसे होता है भाई, हमें ये तो पता चल गया कि कंस्ट्रक्टर हमारा जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसको हमें एग्जीक्यूट करना नहीं है, ना कॉल करना है ना कुछ भी करना है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वो अपने आप वर्क कर जाएगा, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया। अब हमें ये जानना है कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसे होता है। क्रिएट करने के लिए सीधा सा फंडा है, क्या है कि टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए यूज द नेम, सेम नेम एज द क्लास नेम। क्या करते हैं कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं तो क्लास का नाम जो होता है ना भाई, जो क्लास जिस नाम से हम क्लास बनाते हैं उसी का सेम एग्जैक्टली नेम किसका होता है, कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होता है कि उसमें ना हमें फॉलोड करते हैं बाय द पैरेंथेसिस एंड कॉलन, ठीक है। हम क्या करते हैं कि क्लास के नेम के बाद हमें बस पैरेंथेसिस लगाना होता है और कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, ठीक है, ओपन एंड क्लोज लगते हैं, ठीक है। तो सब बेसिकली क्या है कि क्लास का नेम, जैसे कि हमने यहाँ पे देखो एक नीचे एग्जांपल लिया है, क्या है, क्लास लिखा माई क्लास नाम की, हमने एक क्लास बनाई, ये एक क्लास है या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा, जो कि हमने कल पढ़ा था, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एक्सेस मॉडिफायर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा या प्रीवियस वीडियो में सबसे पहले उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर क्या है, हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का एक मेथड क्या बनाया, सेम नेम एज द क्लास नेम, क्लास के नेम की तरीके होगा। तो क्लास का नेम हमारा क्या है, माई क्लास। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर किया क्रिएट किया, माई क्लास नाम, माई क्लास लिखा। इस कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है, तो माई क्लास नेम हमने रखा। फिर हमने क्या बोला कि पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगा दिया, ठीक है। फिर हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और क्लोज किया, और इसके अंदर जो भी मटेरियल लिखना है हमने वो लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, जैसे ये लिखेंगे, जैसे ये हुआ तो हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर बन के तैयार हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बन के तैयार होगा। अब क्या करना है कि अगर ये कंस्ट्रक्टर वर्क कराना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन के अंदर आ इंट मेन। अब क्या है कि कंस्ट्रक्टर हमने क्या बनाया, माई क्लास और माई ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब क्या होगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर जो हमारा होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने लगेगा। उसमें कोई भी और कुछ भी हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, दिस विल बी कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। देखो यहाँ पर हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया माई क्लास नाम का, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जैसे बनते हैं। तो करके देखते हैं कि ये एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है कि नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विम कंस्ट्रक्ट नाम का, कंस्ट्रक्ट नाम का एक फाइल बना लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट डॉट सी पी पी, ठीक है। हैश इंक्लूड, सॉरी सॉरी, हैश इंक्लूड इंक्लूड आयो स्ट्रीम एंड देन यूजिंग नेम
स्पेस लगाया स्टडी, ठीक है। उसके बाद हमने क्लास बनाई, माई क्लास नाम की एक क्लास बनाई, इसको ओपन किया एंड क्लोज किया, सेमी कॉलन लगाया। देन उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक, पब्लिक लिखा एंड देन हमने क्या किया, हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो कंस्ट्रक्टर, टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर, क्रिएट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर हमारा क्रिएट होता है क्लास के नेम से। तो हमने क्लास का नाम क्या रखा है, माई क्लास नेम रखा, पैरेंथेसिस लगाया, ओपन किया एंड क्लोज किया, ठीक है। जैसे क्लोज कर दिया, इसके अंदर जो भी मटेरियल अब लिखना है लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दिस इज कंस्ट्रक्टर, ठीक। तो कंस्ट्रक्टर हमने लिख दिया और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इंट मेन, ठीक। अब हमने क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो माई क्लास लिखा और ओबीजे लिख दिया, ठीक ठीक है। अब रिटर्न लगाया, रिटर्न 0, ठीक। अब नाउ इसको हम सेव करते हैं, सेव कर दिया एंड अब कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो ls कर लेते हैं, हमारे पास कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट डॉट सीपीपी है। तो जी प्लस प्लस कंपाइलर का नेम कंस्ट्रक्ट, ओ सॉरी एक मिस्टेक हो गई, हमने क्या किया, पब्लिक के बाद कॉलन की जगह हमने सेमी कॉलन लगा दिया है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये रहा, पब्लिक के बाद हमें कॉलन लगाना है, ठीक है। नाउ अब सेव करते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, ओ सक्सेसफुली हमारा क्या हो गया, कंपाइल हो गया, ठीक है, ठीक कंपाइल हो गया। अब इसको रन कर लेते हैं, तो ए डॉट आउट लगाया और एंटर किया। तो दिस इज माय कंस्ट्रक्टर। देखो हमने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट। इसमें हमने इस फंक्शन को, स्पेशल मेथड को कॉल नहीं किया। तो ये एक तरीके का स्पेशल मेथड है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाते ही ये अपने आप एग्जीक्यूट होने लगता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो चलो समझ में आ गया। अब इसके बाद कुछ की हैं, कुछ की फंक्शन हैं, जैसे कि इसमें क्या है कि नोट देखो, ये नोट क्या है कि द कंस्ट्रक्टर हैज अ सेम नेम एज द क्लास नेम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या कि कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, जो क्लास का नेम होगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर का नाम भी होगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज पब्लिक, ये क्या होगा, ऑलवेज हमारा क्या होगा, पब्लिक। कंस्ट्रक्टर जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, पब्लिक। अगर पब्लिक की जगह कोई और भी एक्सेस मॉडिफायर यूज कर देते हैं ना, तो इट डजंट हैव एनी रिटर्न। हाँ, एक बेसिकली क्या है कि वर्क नहीं करेगा। और इसमें क्या होता है, एक अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि जो मेथड हमें बनाते हैं, इससे पहले जो मेथड हमने बनाया था, इससे पहले जो हमने मेथड बनाया था उसमें देखो हमने क्या किया था कि विम एक्सेस नाम का हमने क्या बनाया, इसमें हमने सबसे पहले क्या लगाया था, void, void क्या, रिटर्न टाइप। बट जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में हमने कोई भी उसके पहले, माई क्लास के पहले कोई भी वैल्यू नहीं या कुछ भी डेटा टाइप या void या एनी डेटा टाइप हमने कुछ भी नहीं यूज किया है। तो कंस्ट्रक्टर में एक क्या है कि ना तो इसका रिटर्न टाइप होता है, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। बट जबकि फंक्शन, फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में अगर डिफरेंस देखा जाए, तो एक तो डिफरेंस ये है कि ये कंस्ट्रक्टर होता है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है, और फंक्शन कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है, जबकि मेथड में हमारे पास रिटर्न टाइप होता है। ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसमें इसमें क्या होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। और हम ये क्या बात कर रहे थे कि अगर कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर का हम रिटर्न टाइप अगर पब्लिक की जगह कुछ और यूज़ कर देते हैं, तो क्या होगा, ये हमारा वर्क नहीं करेगा। वर्क मतलब अगर इसको हटा देते हैं तो इट ट्रीट लाइक अ प्राइवेट। तो जैसे हमने कंपाइल किया, कंपाइल किया तो ये क्या देना, एरर थ्रो करने लगेगा, हमारा कोड फट गया, क्या माई क्लास इज प्राइवेट विद इन द कंटेस्ट। तो अगर प्राइवेट होगा तो वी कैन नॉट यूज, या ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मेंबर हमारा प्राइवेट होगा तो उसको ऑब्जेक्ट बनाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो हमें
क्या है, एक रूल है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमें क्लास के मेंबर को या इसको कंस्ट्रक्टर को भी हमें क्या रखना पड़ेगा, पब्लिक रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक रखना पड़ेगा, तभी हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। ठीक, उसके आगे देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर, देखो अभी देखो कंस्ट्रक्टर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, जो मेन यूज होते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं दो कंस्ट्रक्टर का यूज हर जगह होता है। ठीक है, होते तो एक और है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है, बट जो मेन कंस्ट्रक्टर है, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिस भी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर, बात ये यहां पर हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, जैसे कि हम मेथड में पास कर रहे थे वैल्यू, वैसे ही हम यहां पर भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, बट अगर जिस भी पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पास की जाती तो वो हमारा कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसी को हम बोल सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट दूसरा तरीका क्या है कि कंस्ट्रक्टर एक तरीके का मेथड है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स बोल सकते हैं। तो इसको क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो टेक पैरामीटर। कंस्ट्रक्टर जैसे कि मेथड पैरामीटर ले सकता है, वैसे कंस्ट्रक्टर भी हमारा पैरामीटर ले सकता है, जस्ट लाइक अ रेगुलर मेथड। जो रेगुलर मेथड होते हैं उनमें हम जो वैल्यू पास करते हैं थ्रू द आर्गुमेंट, वैसे ही हम कंस्ट्रक्टर में भी पास कर सकते हैं। विच कैन यूजफुल फॉर सेटिंग इनिशियल वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट, जिसका यूजफुल हम क्या है, इनिशियल वैल्यू को सेट करने के लिए या वैल्यू को सेट करने के लिए यूज किया जाता है कंस्ट्रक्टर का बेसिकली। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। तो हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं कार। कार नाम की क्लास बनाई और इसमें हमने एक पब्लिक पब्लिक सेट किया और स्ट्रिंग टाइप का हमने एक स्ट्रिंग ब्रांड, ठीक है, स्ट्रिंग देन मॉडल हमने यूज किया एंड इंट टाइप का ईयर जो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, ठीक, ये हमने क्या कर दिया, हमने एक ये तीन पब्लिक टाइप के या प्राइवेट, इनको प्राइवेट भी रख सकते हैं, लाइक हम अगर चाहें तो इनको बेसिकली पब्लिक ही रहने दें। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको प्राइवेट भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये हमने क्या किए, अभी तीन लोकल वेरिएबल बोले या इनके, हाँ तीन पब्लिक हैं सॉरी, तो स्ट्रिंग ब्रांड नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग मॉडल नाम का एक वेरिएबल बनाया, इंट ईयर नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया, ये जो सेपरेट है। फिर हमने क्या किया कि कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर किस नाम से बनता है, कार नाम से, ये मतलब क्लास के नेम से, तो क्लास के नेम से हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अभी एग्जैक्टली नहीं क्रिएट हुआ, मतलब क्रिएट हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो पहला हमने क्या किया, हमने एक तीन पैरामीटर नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, स्ट्रिंग एक्स कॉमा स्ट्रिंग वाई कॉमा इंट जेड, तीन पैरामीटर हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिए। ठीक है, क्या किया, ब्रांड नाम के वेरिएबल में हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू स्टोर करा दी और मॉडल नाम के वेरिएबल में हमने वाई की वैल्यू स्टोर करा दी और जेड नाम के वेरिएबल में हमने, सॉरी सॉरी, ईयर नाम के वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, जेड की वैल्यू स्टोर करा दी। ठीक है, क्योंकि जिस टाइप की वैल्यू होगी हम उसी टाइप की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, असाइन करा सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट हो गया। ठीक, अब क्या होगा, जब हम इस कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें उसी तरीके की हम उसी तरीके की वैल्यू क्या करनी होगी, पास करनी होगी। तो हम सबसे पहले क्या, इंट मेन, अभी क्या था कि हम बनाते थे ऑब्जेक्ट, जैसे हमने कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ओबीजे लिखा ओबीजे। ठीक है, अभी हमने ऐसे बनाया और इसको सेमी कॉलन लगा देते थे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा और इसमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पास करनी होगी। वैल्यू कैसे पास करेंगे, पहला हमारा क्या है, पहला जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हमने जैसे कि बी एम डब्ल्यू दे दिया, बी एम डब्ल्यू,
ठीक है, बी एम डब्ल्यू। दूसरा दूसरा हमारा जो पैरामीटर है वो भी हमारा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमने इसको दे दिया एक्स फाइव करके मॉडल कोई होता है, और इसको इसका जो ईयर था 1999 में लिख दिया। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, एक बार हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और इसमें वैल्यू भी हमने क्या कर दी, सेट कर दी। तो सेट तो हो गई, बट अब क्या होगा कि ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो प्रिंट कराते हैं। आप प्रिंट कराने के लिए हमने सी आउट, और यहां पे लिखा ओबीजे डॉट ब्रांड, ओबीजे डॉट मॉडल, ओबीजे डॉट ईयर, हमें ये सारी चीजें इस तरीके से लिखनी होंगी। तो ओबीजे डॉट ब्रांड, ओबीजे डॉट मॉडल, और ओबीजे डॉट ईयर हमने लिखा, और इंडेल। ठीक है, ये हमने चीजें लिखी। ठीक है, उसके बाद अब इसको हम सेव करते हैं और रन कराते हैं, यानी एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लो हमारा कोड क्या हो गया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। नाउ अब हमें इसको रन करना है, तो रन कर लेते हैं। जैसे रन किया, देखो ये हमारी चीज़ें क्या हो गई, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने यूज़ कर ली, BMW X5N 1999। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया तो एक वैल्यू क्रिएट हुई, ऐसे हम और भी ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक, शिफ्ट इंसर्ट, मारुति, मारुति का ब्रांड लिखा, और 800 ब्रांड आता था एक, एक और 1980। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, और इसको हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट हमें इसका चेंज करना होगा। ऑब्जेक्ट वो ओबीजे है, इसे हमें ओबीजे.1 कर लेते हैं, और इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं कि ये हमारा एग्जैक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी एंड देन इसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, और शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ओबीजे वन और ओबीजे 1। ठीक है, इसको सेव किया एंड कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, ठीक है, और रन किया। देखो मारुति 800 1980, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, दो तरीके के पैरामीटर दिखे, सॉरी दो तरीके के कंस्ट्रक्टर देखे। एक हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम पैरामीटर पे कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे थे, जिसमें कोई भी वैल्यू हम पास नहीं करते, बट हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर है जिसका काम है क्या कि हम उसके पैरामीटर में वैल्यू पास कर सकते हैं। जो वैल्यू हम यहाँ पर सेट करेंगे, जो जिस टाइप का वेरिएबल सेट करेंगे, उसी तरीके जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर वैल्यू पास करनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि जो फंस अभी क्या है कि कंस्ट्रक्टर, अभी हमने क्या किया कि जो भी कंस्ट्रक्टर देखो क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया, तो हमने क्या किया, इसको हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया है। कहाँ पर डिफाइन किया, डिफाइन और डिक्लेयर। डिक्लेयर में सिंगल लाइन लिखना होता है, डिफाइन में पूरा हमें कोड उसको प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या है कि ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर हमने क्या बनाया है, ये क्लास के अंदर बनाया है। जैसे कि हमने दो तरीके के फंक्शन पहले देखे थे, हम क्या कर रहे थे, फंक्शन दो, एक इनसाइड द क्लास फंक्शन बना रहे थे, एक आउटसाइड द क्लास बना रहे थे। इसी तरीके कंस्ट्रक्टर भी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने क्या बनाया है, क्लास के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर हम क्लास के बाहर बनाना चाहते हैं, आउटसाइड द क्लास अगर हम बनाएंगे तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस कंस्ट्रक्टर को हमें आउटसाइड द क्लास बनाना है बाहर, तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया था कि क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास का नेम है कार। ठीक है, फिर स्कोप रेजुलेशन वेरिएबल लगाते हैं, और फिर सेम नाम जो कि
हमारा होता है कार, ठीक है, और पैरामीटर लिख देते हैं स्ट्रिंग एक्स कॉमा स्ट्रिंग वाई कॉमा इंट जेड, ठीक है, और इसको हमने पैरेंथेसिस ओपन एंड देन हम सेट करेंगे मॉडल मॉडल ब्रांड इक्वल टू BMW MT, ठीक है, MT, सॉरी सॉरी सॉरी, हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं क्या है ब्रांड, हमने क्या रखा एक्स, फिर मॉडल हमने सेट किया वॉय एंड फिर हमने ईयर रखा, ईयर क्या सेट किया, ईयर हमारा होगा जेड, ठीक है, हम इसको हमने क्या कर दिया आउटसाइड डिफाइन कर दिया, ठीक है, आउटसाइड डिफाइन कर दिया, जैसे आउटसाइड डिफाइन करेंगे तो हमने क्या किया आउटसाइड डिफाइन करके अब इसको अगर हमें कॉल करना है, ठीक है, तो कॉल करते हैं, कॉल करते हैं ये जो हमने, अब हम इसका ऑब्जेक्ट हमें एक और क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, हम एक ही, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं, एक ओबीजे वन एक ओबीजे टू, ठीक है, बट अब हमने डिक्लेयर क्या किया है आउटसाइड द क्लास कर दिया है, बस आउटसाइड द क्लास, ठीक है, इसको हमने सेव किया और इसको कंपाइल करते हैं, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, मिस्टेक क्या हो गई कि हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया ईयर में, ठीक है, तो इसको सेट कर लेते हैं ईयर सेट, ठीक से कॉलन डब्ल्यू क्यू है, क्लियर कर लेते हैं, क्लियर किया एंड देन कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर लिया सक्सेसफुली, कंपाइल हो गया और रन कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है, हमने आउटसाइड डिफाइन किया है, आउटसाइड आउटसाइड द क्लास हमने क्या किया है डिफाइन किया है, फिर भी हमारा ये कंस्ट्रक्टर क्या हो गया वर्क कर गया, ठीक है, तो देखते हैं क्या सीन है, तो क्या है नॉट जस्ट, हम क्या कर सकते हैं क्लास के अंदर नहीं क्लास के बाहर, जस्ट लाइक का फंक्शन, जैसे में हम फंक्शन बाहर डिफाइन कर रहे थे वैसे कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, कंस्ट्रक्टर को भी हम आउटसाइड क्लास की डिफाइन कर सकते हैं, बट उसके लिए सर्टेन रूल्स हैं, रूल्स क्या हैं, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर इनसाइड द क्लास, जैसे हम फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे थे सेम हमें क्या करना होगा, और सॉरी जैसे फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे थे क्लास के अंदर वैसे कंस्ट्रक्टर को भी हमें क्लास के अंदर क्या करना होगा डिक्लेयर करना होगा, जैसे डिक्लेयर कर देंगे अब हम क्या कर सकते हैं अब एलिजिबल है कि बाहर हम उसको यूज कर सकते हैं, देन डिफाइन इट आउटसाइड द क्लास बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर विच इज द सेम एज द क्लास नेम, ठीक है, तो स्कोप रिलेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं उसे बाहर यूज कर सकते हैं स्कोप रिलेशन ऑपरेटर के थ्रू, जैसा कि हमने अभी करके देखा कि इस कंस्ट्रक्टर को हम आउटसाइड क्लास भी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, ये आउटसाइड कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया, ठीक, और एग्जैक्टली और यूज किया, ठीक, इसको हम करके देख चुके हैं, ठीक है, हम कंस्ट्रक्टर को बेसिकली यूज की करते हैं कि मेन पर्पज से, ये तो चल पता चल गया कि हमें कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है कैसे यूज होता है किस तरीके के होते हैं और कैसे कैसे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को इनसाइड या आउटसाइड, ठीक है, तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर का पूरा होल वर्किंग है, होल वर्किंग क्या है कि कंस्ट्रक्टर का बेसिकली यूज है कि इट कैन बी यूज्ड टू सेट इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर तो क्या बताएंगे कि इट कैन बी यूज टू सेट इनिशियल वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को सेट करने के लिए बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू आइडियाज वाटी यूट्यूब चैनल को, थैंक यू वेरी मच।